न्यू जानवर को पानी पिला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी शांसली, उम्मीद करता हूँ मान लो करिए से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। आज व्लॉग करने में जी थोड़ी हो गई है लेट। पहले मैं कुछ काम करता रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लैपटॉप पे फिर सो गया था। नमाज ज़ोहर अदा की है, अदा करके अभी अंदर बैठे हैं। मेरे भाई भी आ गए हैं स्कूल से वापस, लगे हुए हैं मोबाइल पर ड्रामा देखने। हर वक्त आपको ड्रामों की बात होती है और कोई काम नहीं है, या मूवी देखते हैं। क्या हुआ है जी? जख्म हो गया है, ये देखे खून पे जख्म हुए हुए हुए, ब्लड निकल रहा है। कोई पट्टी वगैरह की है या नहीं? नहीं नहीं, पट्टी नहीं की। कुछ ऊपर लगा लें पायोडीन। इधर भाई आतफ साहब भी लगे हुए हैं मोबाइल पे, वीडियो एडिटिंग जारी है। वैसे फन हो रहा है। बुलबुले ड्रामा है भाई, न्यू आया या पुराने वाला ही है? कोई पुराना, बहुत ही पुराना चल रहा है। काफी अच्छा ड्रामा है भाई, कह रहे हैं जरूर देखिएगा ये वाला ड्रामा। आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि लाइट आज दिन में नहीं गई एक मिनट भी। मेरे तो ख्याल से लाइट बंद करना ही भूल गए हैं आज। काफ़ी ज़्यादा पहले धूप थी, अभी हो गया है मौसम साफ और बादल ही बादल हो गए हैं जी। इधर बादलों के गरजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ब्रीक ब्रीक जो है फवार वो भी गिर रही है बारिश की। अभी मेरे तो ख्याल से बारिश के अमकान हैं। जानवरों ने जी हमारे ने अभी चारा खा लिया है, छोटी भैंसों ने। अभी इनको कुछ और चारा डाल देते हैं, इनकी खुरली खाली हो गई है। बकरी के आगे तो वैसे ही पहले वाला भी पड़ा हुआ है, ये चारा खाती कम है और ज़ाया ज़्यादा करती है। चारे के ऊपर मैंने जी पल्ली दी थी जो चारा कटाई किया हुआ है, ताकि इसको चूजे ख़राब ना करें। अभी देखते हैं। अरे भाई साहब अभी तो साफ सुथरा है, यहाँ से लेते हैं चारा। भैंसों को काफ़ी भूख लगी हुई है, जैसे मैं चारा लेकर आया हूँ तो टोकरी में से इन्होंने खाना शुरू कर दिया। चलें अभी खाएँ। बड़े वाली भैंसे हैं जी, इन्होंने कुछ कमाद के पीसेस छोड़ दिए हैं, चारा इसमें से खा लेती हैं और एंड में जो कमाद के पीसेस बच जाते हैं ये नहीं पसंद करती, थोड़े सख्त होते हैं इसलिए। चलें जी खाएं खाएं। ये वाली भैंस मुझे सर हिलाने लग पड़ती है, जैसे इसके मैं पास आता हूँ मुझे मारने की कोशिश करती है। चल चल। अभी मैंने दोबारा चारे को मिक्सअप कर दिया है, खुद खुद ये भी खा लेंगी। ये इनके काम चेक करें, बड़ी भैंस के रस्से के साथ दोनों ख़ारिश कर रही हैं, उसके नाक में नाथ डाली हुई है, नाथ को भी खतरा है। चलें भी निकाल दें, चारा खाएं। जैसे मौसम ठंडा होता है जानवर परिंदे इंसान सब कुछ ही, अल्लाह ताला की सारी मखलूक खुश हो जाती है ठंडे मौसम में, ताज़ा तवाना नज़र आती है। भी जानवर भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे जी बोहड़ के दरख्त की जड़ें फिर से काफ़ी बड़ी हो गई हैं। इधर से तो मैंने एक दिन कुछ काटी थी, नीचे झुक जाती हैं, उस तरफ से देख सकते हैं इतनी कितनी बड़ी हो गई हुई हैं। भैंस के जी बेबी ने रस्से अपने को चक्कर लगा लगा के काफ़ी ज़्यादा कसा हुआ है रस्से को, ये देख सकते हैं, इसके गले को भी तंग कर रहा था। हाँ जी भी खुश हैं। सुबह भैंस के बेबी को जब हमने दूध पिलाया था उस वक्त इसको नहलाया भी था, काफ़ी इसको गर्मी लग रही थी। हम हर साल कुर्बानी पे बड़ा जानवर करते हैं जो कि भैंस का बच्चा, जैसे कट्टा हम बोलते हैं पंजाबी में और भैंस की बच्ची को कट्टी बोलते हैं पंजाबी में। हमारे पास अभी 2-3 कट्टियाँ हैं, हमें ज़रूरत थी कट्टे की। हमारा इरादा था कि एक कट्टी सेल कर दें और कट्टा फिर खरीद लें। अभी हमें खबर मिली है कि अबू के फ्रेंड के पास है कट्टा, उन्होंने सेल करना है और हमने अपनी कट्टी भी सेल करनी है, एक दूसरे के साथ ही चेंज कर लेते हैं। अभी हमने सोचा है कि दोनों के रेट लगवा लेते हैं, रेट लगवाने के बाद फिर पैसे एक दूसरे को फिर दे ले लेंगे उस हिसाब से। हमारा जी ये वाला जानवर है और ये अबू जान के फ्रेंड का जानवर है, इन दोनों की आपस में तब्दीली करवाएंगे। अभी व्यापारी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जी हमारी तब्दीली हो गई है, ये वाला जानवर हमने ले लिया है, ये अबू के फ्रेंड लोगों को दे दिया है। तकरीबन एक जितना ही है जिसम इन दोनों का, हम अबू के फ्रेंड को 5,000 रुपये दे देंगे, बाकी जिसम में एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। अभी जी न्यू जानवर को पानी पिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर रहा है, पहला पहला दिन है इसका इसलिए। कट्टे को चारा डाल दिया है, चारा भी नहीं इतना खा रहा, चलें खा लें। आपका ही खा रहा है, अब आपका फुल ख्याल करेंगे। अब वो साथ में कटी है तो उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक साइड को हो गई है, डर गई है भाई। चलें इत्तफाक के साथ खाएं चारा। पहले जानवर एक जगह पे हो और न्यू कोई जानवर उनमें आ जाए, फिर उनकी आपस में नहीं बनती एक दो दिन, फिर एक दो दिन इकट्ठे रहें फिर आपस में इत्तफाक मोहब्बत हो जाता है।
पहले तो एक दो दिन ऐसे ही ये रहेगा, अजीब अजीब के पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ। घर में बनाई है खिचड़ी चावलों की, अभी ये खाई जाएगी। चावल होते हैं इसमें दाल वगैरह डाल के, काफ़ी मज़े की होती है। सुबह खाना खाया था, अभी काफ़ी भूख लग गई थी। खिचड़ी खाई जाएगी और साथ में शिकंजी नींबू की। कट्टा जी हमने ले लिया है, इसकी अभी खिदमत करेंगे अच्छी तरह ताकि कुर्बानी आने तक काफ़ी बड़ा हो जाए, सेहतमंद हो जाए। उनका जानवर थोड़ा बड़ा था, हमारा थोड़ा छोटा, इसलिए हम अब्बू जान के फ्रेंड को 5,000 रुपये देंगे साथ में, और अपने वाला जानवर भी उनको दे दिया है। अब्बू के फ्रेंड भी अभी खुश हो गए हैं, हमने कहा कि आप खुश होकर जाएं हमारे घर से, पैसों की इतनी बात नहीं है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में करते हैं एक बड़े जानवर की कुर्बानी और एक छोटे जानवर की। छोटा हमारा जानवर होता है बकरा, जो कि इस दफ़ा हमारे पास बकरा भी नहीं है, वो भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। टाइम से इसलिए लेते हैं, फिर सस्ता भी मिल जाता है, फिर उसकी खिदमत करके फिर कुर्बानी आने तक फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस वाले खेत में मैंने चलाए थे हल, तो अभी घास वगैरह उखड़ चुका है सबका सब, धूप काफ़ी लगती है, ये सबका सब घास सूख जाएगा और फिर यहाँ पर लगाएंगे बरसीम की फसल। बरसीम का चारा लगने में अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, 15 से 20 दिन तक बरसीम के चारे की काश्त शुरू हो जाएगी, हम भी फिर लगा देंगे चारा। हमारी देसी मकई इस पर अभी छलियाँ नहीं लगी हुई, सबज़ सबज़ ही है, छोटी छोटी अभी लगना स्टार्ट हो रही हैं, फिर इसमें गुल बनेगा, फिर बीज बनेंगे, फिर आस्ता आस्ता छली तैयार होगी। अभी कुछ कुछ लग रही हैं, कुछ दिनों तक अल्हम्दुलिल्लाह फिर छलियाँ लगेंगी। देसी मकई का पौधा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, पहले आंधी आई थी और साथ में बारिश, काफ़ी जो पौधे हैं वो वैसे टूट गए थे आंधी के साथ। कुछ दिन पहले जी मैंने यहाँ से घास कटाई किया था, मस्जिद के पास हैं पौधे, तो अभी फिर काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, पौधे भी इसमें छुपना शुरू हो गए हुए हैं। ये घास दोबारा कटाई करेंगे ताकि पौधों को भी पानी आसानी के साथ दिया जा सके और पौधे भी अच्छी तरह ग्रोथ कर सकें। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।